राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद के पुत्र व बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव को औरंगाबाद से धमकी मिली है। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। यह धमकी तो मोबाइल नंबर से दी गई है। धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद के पुत्र व बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव को औरंगाबाद से धमकी मिली है। यह धमकी दो मोबाइल नंबर से दी गई है। धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मामला तेज प्रताप के औरंगाबाद में NS-19 पर कामा बिघा स्थित बाइक एजेंसी लारा लालू राबड़ी हीरो शोरूम पर सोमवार को हुए हमले और तोड़फोड़ से जुड़ा हुआ है। शोरूम में तोड़फोड़ और कर्मियों से दुर्व्यवहार के बाद शोरूम के केयरटेकर अजय यादवेंद्र ने औरंगाबाद नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी प्राथमिकी के बाद शोरूम के प्रबंध निदेशक सह बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव को उनके मोबाइल पर औरंगाबाद से धमकी दी गई है। माना जा रहा है कि तेज प्रताप को केस वापस लेने को कहा गया है और केस वापस नहीं लेने पर अंजाम बुरा होने की धमकी दी गई है। इसी वजह से तेज प्रताप ने धमकी मामले की भी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए औरंगाबाद नगर थाने के पुलिस को मंगलवार को दोपहर ही प्राथमिकी के लिए आवेदन दिलवाया है। तेज प्रताप की ओर से उनके शोरूम के केयरटेकर अजय यादव ने नगर थाने की पुलिस को प्राथमिकी के लिए दिए गए आवेदन में कहा है कि मैंने शोरूम में कर्मियों से दुर्व्यवहार और तोड़फोड़ को लेकर सोमवार को नगर थाने में केस दर्ज कराया है। आपको बता दें केस नंबर 286/23 दर्ज कराया था। इसी केस को लेकर मंगलवार को मोबाइल नंबर 9525877800 2078680093 से शोरूम के प्रबंध निदेशक व बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव को उनके मोबाइल नंबर पर धमकी दी जा रही है। गौरतलब है कि सोमवार की सुबह स्कूटी की सर्विसिंग को लेकर कर्मियों के साथ शोरूम में कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था। इसी विवाद में कर्मियों से दुर्व्यवहार व शोरूम में तोड़फोड़ हुई थी। इसी घटना से शोरूम के शीशे भी टूट गए थे और कुछ वाहनों को भी क्षति हुई थी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।